साथ सपना शुक्ला और बुलेटिन में बात पाकिस्तान की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शाम की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में बदतर होते आर्थिक हालातों की बात करेंगे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकार ने लोगों पर टैक्स का एक और बोझ डाल दिया है। हैरानी तो इस बात की है कि शरीफ सरकार ने अब लोगों से कब्र के लिए भी टैक्स वसूलने का फैसला ले लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान के लोगों में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो वहीं लोग भारत की अब तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब वहां सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी टैक्स चुकाना पड़ेगा। बुरे आर्थिक हालातों से गुजर रहे पाकिस्तान की शरीफ सरकार ने अब कब्रों पर भी टैक्स लगा दिया है, यानी अब पाकिस्तान के लोगों को खाने पीने के साथ ही मरने के बाद कब्र में दफन होने के लिए भी टैक्स देना होगा, जिसको लेकर पाकिस्तान के लोगों में भारी गुस्सा है। कल मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे, जहां पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है, तो वहां पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे। पाकिस्तान में हर दिन टैक्स और महंगाई की मार आम आदमी की कमर तोड़ रही है, तो वहीं पाकिस्तान के लोग इन बदतर हालातों में भारत की तरक्की की बात कर रहे हैं और अपने हुक्मरानों को सबक लेने की सलाह दे रहे हैं। ना हमारी पॉलिटिशियन है ना, जो ये आपस में लड़ रही है, जो मुझे सीट मिले, मुझे सीट मिले, मुझे सीट मिले, बस ये आपस में लगे हुए आवाम का नहीं सोच रहे। सर आप क्या कहेंगे यहाँ पे? आप ये देख ले, मुझे भी लगता है कि इंडिया बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि कल मैं ना वैसे ही मैं बैठा हुआ था, नेट यूज कर रहा था, तो मैंने देखा एक जीप कंपनी है रूबीकॉन, मतलब वो बहुत महंगी जीप है, आई थिंक $25,000 या $35,000 की वो आ रही है। वहाँ पे ना इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है कि इंडिया में वो डिलीवर हो सकती है। जब मैंने देखा ना, वो कहते हैं कि आई एम सॉरी कि पाकिस्तान में नहीं ये लो हो सकता। मेरे बहुत दिल को ठेस पहुंचा कि यार ये पाकिस्तान इतना मतलब गिर गया, ये किन की वजह से गिरा? पॉलिटिशियन की वजह से। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के साथ ही खाने पीने के सामानों के रेट भी आसमान छू रहे हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान में कुर्सी के लिए सियासी घमासान भी पूरे शबाब पर है। तो पाकिस्तान की जनता पर एक बार फिर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। सरकार ने हर चीज पर टैक्स एक के बाद एक लगातार बढ़ा दिया है, जिससे कि जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। मंदी और महंगाई की वजह से पहले ही जनता भूखे रहने को मजबूर थी और अब मुसीबतें और बढ़ गई। पाकिस्तान सरकार ने मिनी बजट में टैक्स में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से चीजों के दाम फिर से बढ़ गए हैं। ऐसे में जनता अब शहबाज सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगी है। कर्ज क्यों लिया, किसने लिया और कब वापस किया, कब वापस करेंगे? हमने न कर्ज लिया है न हम देने को तैयार हैं। शहबाज सरकार ने टैक्स का बोझ तो बढ़ा दिया है, लेकिन जनता इसके लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ने की वजह से किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली बस का किराया 1,000 रुपए तक बढ़ गया है। जिसकी 20,000 सैलरी है वो क्या करेगा? 270 रुपए में अभी ये 2 दिन पेट्रोल नहीं चलेगा। मेट्रो, BRT जो चीजें, ये भी वैसे ही एक्सपेंसिव है, उतनी रश होती है। अब हमारे पास अपनी कन्वेंस है, उसकी भी अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम फिर कैसे अपने जो है ऑफिस को जाए। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार मिनी बजट में टैक्स में राहत देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और न ही जल्द ही इस महंगाई से राहत मिलने के कोई आसार नजर आ रहे हैं। बदहाल और कंगाल पाकिस्तान में, जहां लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, तो वहीं पाकिस्तान के नेता अपनी सियासत चमकाने में जुटे हुए हैं। खबर है कि शरीफ सरकार में फूट पड़ गई है और मरियम नवाज ने महंगाई के मुद्दे पर अपनी सरकार को घेरा है, क्योंकि आपको बता दें कि उनकी नजर अपने चाचा की शहबाज शरीफ की कुर्सी पर है। पाकिस्तान में हर बीतते दिन के साथ महंगाई और बेरोजगारी की मार गहरी होती जा रही है। खाने पीने के सामानों के साथ ही ईंधन और बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान लोगों की तकलीफों से बेफिक्र अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। इन बदतर हालातों में मरियम नवाज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
मरियम ने शरीफ सरकार पर जानबूझकर महंगाई बढ़ाने और पाकिस्तान को बदतर हालात में पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान की मीडिया में मरियम के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। एक तो प्राइस हाइक तो अपने आखिरी हदों को छू रही है, लोग नाक में दम हो गया लोगों का। लेकिन शरीफ फैमिली में जो मरियम नवाज साहब आए, उन्होंने डिस्टेंस किया अपने आप को, जो मैं इस महंगाई को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हुकूमत तो उनकी चर्चा की और उनकी पार्टी की हुकूमत है, तो वो इस तरह से डिस्टेंस कर सकती हैं या लोग इसको सीरियसली लेंगे इस बात? देखें काय साहब, उन्हें प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिल रहा है, पाकिस्तान पंजाब पुलिस पूरी या वफाकी हुकूमत उनके एक इशारों पर चल रही है, वो आर्डर ऐसे ही देती हैं जैसे PM देती हैं। उन्होंने हाँ अपने चचा पर अदम एतमाद किया हुकूमत पे नहीं, उन्होंने कहा मेरी हुकूमत नहीं है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। पाकिस्तान में बढ़ता सियासी टकराव अब नवाज शरीफ परिवार के भीतर तक पहुंच गया है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अपने चाचा शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर नया सियासी भूचाल ला दिया। पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मरियम नवाज प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखती हैं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के इन बदतर हालात में सरकार से खुद को अलग कर लिया और बढ़ती महंगाई के लिए सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर नया सियासी पैतरा चला है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो वो हैं, वो एक हकीकत है, चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, अब वो पार्टी उदे भी देंगी। तो कादी साहब लड़ाई है अब कि मरियम नवाज वजीर आज़म बनना चाहती है लेकिन आवाम उनके साथ नहीं है, दूसरा पार्टी में इख्तलाफ है लेकिन इख्तलाफ़ राय की जरूरत कोई नहीं करता क्योंकि हाईजैक किया हुआ पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर जो आमरियत है वो शायद डिक्टेटरशिप में भी नहीं होती। मरियम नवाज का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान में आवाम के हालात को लेकर विपक्षी नेता पहले ही हमलावर हैं। ऐसे में खुद को सरकार से अलग दिखाकर मरियम नवाज पाकिस्तानी आवाम के सामने खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करना चाहती हैं। सियासी बवाल जारी है, शहबाज सरकार इमरान खान को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन इमरान खान के समर्थक भी डटे हुए हैं, उनके घर के बाहर पहरा दे रहे हैं और नतीजा ये हुआ है कि लाहौर में इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा है। पाकिस्तान में जारी है सियासी तकरार। इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आतंकवाद और तंगी के बीच सियासी वॉर। ये वीडियो उस वक्त का है जब लाहौर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी लेकिन पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। इमरान खान के घर के बाहर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को मौके से खदेड़ दिया। यह इमरान खान के कार्यकर्ताओं का इतना जमावड़ा था कि पुलिस की उनके आगे एक न चली और वहां से पूरा लाव लश्कर लेकर वापस लौटना पड़ा। पाकिस्तान में जारी आतंकवाद, आर्थिक मंदी और गरीबी के बीच इमरान खान शहबाज सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बुरे दिनों के लिए शहबाज सरकार को ही जिम्मेदार बताया और फिर सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान कर दिया जिससे शहबाज सरकार घबराई हुई है और इमरान खान को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे पहले इमरान खान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया। अब तक इमरान खान को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश असफल साबित हुई है। PTI कार्यकर्ता इमरान खान के घर के बाहर दिन रात पहरा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान भी सरकार को लेकर चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान में एक तरफ आर्थिक मंदी से हालात खराब हैं, वहीं बढ़ती महंगाई और गरीबी ने भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं मुल्क में दो पार्टियों के बीच जारी सियासी लड़ाई भी खिंचती ही जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान में जारी संकट का समाधान जल्द निकलता नहीं दिख रहा।
तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सत्ता को लगातार चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हालात जो है उसके लिए शहबाज सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। तो इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को हर कीमत पर सत्ता से हटाना चाहते हैं और उसके लिए 22 फरवरी से जेल भरो आंदोलन का ऐलान भी कर रहे हैं। इमरान खान ने यह कहा है कि जेल भरो आंदोलन पहले लाहौर से शुरू होगा और फिर पाकिस्तान के हर शहर में फैल जाएगा। और इसके अलावा इमरान खान पाकिस्तान में 90 दिनों में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। इमरान खान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा है, उन्होंने चुनाव आयोग पर संविधान के अनुसार काम नहीं करने का आरोप तक लगा दिया। और कुछ दिनों पहले इमरान खान ने यह भी कहा था कि मौजूदा सरकार की नीतियां पाकिस्तान को विनाश के रास्ते पर ले जाएंगी। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।